बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहब्बत अली, आई एम योर मैथ्स टीचर। और आज हम केपीके बोर्ड की सेकेंड ईयर की मैथ्स का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ अबाउट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव्स, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव को अंडरस्टैंड करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफएससी की मैथ्स में, सेकेंड ईयर की मैथ्स में। तो डेरिवेटिव को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपको दो चीज़ों को पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो फर्ज़ किया मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमारे पास फंक्शन है y का इन टर्म्स ऑफ x। अगर मैं पुट करता हूँ x को ज़ीरो पुट करूँ तो y का आंसर मेरे पास आता है वन आता है, ठीक है। अगर मैं x को वन पुट करता हूँ तो y का आंसर मेरे पास जो आता है वो टू आता है। x की वैल्यू मैं टू पुट करता हूँ तो y का आंसर मेरे पास फाइव आता है। इसके बाद x की वैल्यू जब मैं थ्री पुट करता हूँ तो y का आंसर मेरे पास टेन आता है। तो अगर आप इस पैटर्न को देखें तो यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है। इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे इसमें x हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है, और y क्या है, डिपेंडेंट। यानी y डिपेंड कर रहा है x पे, x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी y की वैल्यू ऐसे ही चेंज होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या डिफाइन कर सकते हैं हम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी और वेरिएबल पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, उसे क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन के बारे में बात करूँ, तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखते हैं और फिर इसके बाद उसको प्रॉपर हम डिफाइन करते हैं। तो डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है या डिफरेंशिएशन क्या होती है, हम उसको प्रॉपर डिफाइन करेंगे तो वो हमारे पास होता है द प्रोसेस। डेरिवेटिव इज द डेरिवेटिव इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब डेफिनेशन क्या कह रही है, मैं आपको दो चीज़ें पहले क्लियर कर चुका हूँ, और उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब बेसिकली डेरिवेटिव क्या होता है, एक चेंज होता है। कैसा चेंज होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब चेंज बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, सबसे पहला चेंज होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज और दूसरा चेंज होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है, उसको हम अब एक एग्जांपल के जरिए हम उसको डिफाइन करेंगे, और फिर आपको इंस्टेंटेनियस और जो है वो एवरेज रेट ऑफ चेंज, और फिर आपको पता चल जाएगा कि हम डेरिवेटिव जो होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्यों होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज क्यों नहीं होता। तो उसके लिए हम लेट करते हैं कि ये हमारे पास एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट बी तक हमारे पास जो सारा डिस्टेंस है वो है 15 मीटर, और वो मैं वो हम कवर करते हैं 5 सेकेंड्स में, ठीक है। अब इस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट सी तक हम कहते हैं कि वो डिस्टेंस जो है वो 17 मीटर है, जाहिर सी बात है उसमें भी कहीं पे आ रहा होगा बीच में, तो और वो हम करते हैं 7 सेकेंड्स में। तो अगर हम जो डिस्टेंस में चेंज है अगर वो फाइंड करें, अगर डेल्टा एस लिखूं मैं तो डेल्टा एस इज इक्वल टू 17 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 2 मीटर, और चूंकि डिस्टेंस जो होता है वो टाइम डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो डेल्टा टी अगर हम फाइंड करें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 सेकेंड्स। और अगर मैं इसमें चेंज फाइंड करूं, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी फाइंड करूं, 2 बाय 2 विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। यानी इसमें अब ये जो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी है ये हमारे पास क्या आ रहा है, एवरेज रेट ऑफ चेंज आ रहा है, और एवरेज रेट ऑफ चेंज हमारे पास कितना आ रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड। अब 1 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये है कि 1 मीटर 1 सेकेंड में। तो अगर मैं
इसको इस बात को अगर मैं लेके चलता हूँ कि एक मीटर एक सेकंड में हो जाता है, तो 7 सेकंड्स में तो मेरे पास 7 मीटर होना चाहिए था, मेरे पास क्या आ रहा है, 17 मीटर आ रहा है। इसका मतलब है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, ठीक है, एक जनरल आइडिया दे रहा है लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं इसी डेल्टा टी को अप्रोच कर दूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बन जाता है, डी एस ओवर डी टी विच रिप्रेजेंट्स डेरिवेटिव। बात करने का मकसद क्या है, बात करने का मकसद ये है कि ये जो हमारे पास था एवरेज रेट ऑफ चेंज, एक्यूरेट जो इंफॉर्मेशन है या एक्यूरेट जो चेंज है वो नहीं बता रहा था, ठीक है, और जो एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है वो हमें एक्यूरेट जो है उसमें चेंज बता रहा है। क्या मतलब है इस बात का, अब ये फ़र्क आया कहाँ पे, सवाल ये है कि ये फ़र्क आ क्यों रहा है। फ़र्क इस वजह से आ रहा है कि हमने डायरेक्ट जो डिस्टेंस चेक किया वो 5 सेकंड पे चेक किया, सेकंड वाला 7 सेकंड पे चेक किया, लेकिन जब मैं डेल्टा टी को इक्वल टू अप्रोचेस टू ज़ीरो करता हूँ उसके स्मॉल इंटरवल्स पे, छोटे छोटे इंटरवल बना के जब मैं चेक करता हूँ तो मुझे उसका प्रॉपर उसका चेंज बताएगा, और उस चेंज को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक बंदा कहता है, फ़र्ज़ किया मैं इस्लामाबाद से लाहौर गया हूँ, 4 घंटे 400 किलोमीटर डिस्टेंस था, मैंने 4 घंटे में किया, इसका मतलब है कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं इसलिए नहीं है कि इस्लामाबाद से लाहौर जाते हुए कुछ रस्ते ऐसे भी आएंगे जहाँ पर उसने गाड़ी की स्पीड जो है वो बहुत तेज़ होगी उसकी, और कुछ रश वाली जगहों पर उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। अब जो वो जो बात कर रहा है ना कि 1 घंटे में उसने 100 किलोमीटर किया, वो जो एक्यूरेट चेंज है वो नहीं बता रहा, एक्यूरेट जो कैलकुलेशन है वो नहीं बता रहा। लेकिन अगर मैं उसके स्मॉल इंटरवल्स पे चेक करें कि पहले 10 सेकंड्स में उसका कितना डिस्टेंस था, फिर अगले 10 सेकंड्स में, अगर जो टाइम इंटरवल है उसको हम छोटे छोटे पास में अगर हम चेंज कर दें, उसको छोटे छोटे इंटरवल में चेक करें, तो हमारे पास ये सारा क्या बन जाता है, इसका डेरिवेटिव बन जाता है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किसी चीज़ का भी लम्हाती चेंज, लम्हा ब लम्हा जिस चीज़ में जो चेंज आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। अच्छा, अब क्या किसी भी फंक्शन का अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो उसका क्या क्राइटेरिया है, उसको हम क्या, ऐसा कोई फार्मूला है, डेफिनेटली ऐसा एक फार्मूला है जिसको हम, जिसके ज़रिए हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उसको अब हम आगे डिस्कस करते हैं, और उससे रिलेटेड आगे जो एग्जांपल है, जो भी क्वेश्चन है उसको उसको हम स्टडी करेंगे। अच्छा जी, तो अभी हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जो फार्मूला या जो प्रोसेस करने वाले हैं उसके 3 नाम हैं। सबसे पहला है उसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ए बी इनिशियल मेथड भी बोलते हैं, बाय डेफिनेशन भी बोलते हैं। तो आपसे जब भी तीनों के बारे में कोई एक, इन तीनों में से कोई एक भी नाम आ जाए तो तीनों को मेथड सेम है, उसमें करते क्या है, आपको जो भी फंक्शन गिवन है आप क्या करते हैं उसको लेट कर लेते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसी फंक्शन को आप वाई की इक्वल लेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हैं, वाई में डेल्टा वाई का चेंज और एक्स में डेल्टा एक्स का चेंज, ठीक है, और उसे क्या कहते हैं, डेल्टा वाई, यहाँ से वाई को वहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक्स प्लस, सॉरी ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, तो डेल्टा वाई क्या हो जाता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब वाई हमने किसको लेट किया था, एफ ऑफ एक्स को, तो माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और फिर इसके बाद लास्ट स्टेप क्या होता है कि हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, चूँकि ये यहाँ पर लिमिट अप्रोच करिए ज़ीरो को, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, डी वाई बाय डी एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब यहाँ तक जो भी, मतलब दोबारा फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और
y में डेल्टा वाई का चेंज, x में डेल्टा x का चेंज, ये y यहाँ पे प्लस का है वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा, और y की जो वैल्यू हमने लेट की हुई है वो हमने पुट कर देनी है, और नेक्स्ट स्टेप में हमने डेल्टा x से हमने रिप्लेस कर देना है। यहाँ तक जो इसका प्रोसेस है किसी भी फंक्शन के, अगर यहाँ तक ये प्रोसेस सारा करते हैं तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज। यहाँ तक क्या था, एवरेज रेट ऑफ चेंज, और जब हमने क्या किया उसको स्मॉल इंटरवल्स में उसके डेल्टा एक्स को हमने अप्रोच करवा दिया जीरो को, तो वो हमें क्या वहाँ से कौन सा रेट ऑफ चेंज आ जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को। अंडरस्टैंड, अब अगर हमें कहा जाए कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स केयर एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल भी करवा देता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। एग्जांपल में वो कहता है कि हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स केयर, इसका आपने क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, आप वही सारे स्टेप्स अप्लाई करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर, y प्लस डेल्टा y, x प्लस डेल्टा x का स्केयर, तो डेल्टा y क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x का स्केयर माइनस y, तो डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का स्केयर माइनस ये क्या हो जाएगा, y हमने किसको लेट किया था, एक्स स्केयर को, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्केयर प्लस डेल्टा एक्स स्केयर प्लस टू एक्स डेल्टा x माइनस एक्स स्केयर, तो ये एक्स स्केयर और ये एक्स स्केयर कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल टू, यहाँ से हम डेल्टा x कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाता है, डेल्टा x प्लस 2x हो जाएगा, क्योंकि ये डेल्टा एक्स स्केयर है, इसमें से एक डेल्टा एक्स कॉमन जाएगा तो निकालेंगे तो डेल्टा एक्स बच जाएगा, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, एवरेज रेट ऑफ चेंज विच इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस 2x। सो दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज, किसी भी फंक्शन का एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमने सारे प्रोसेस कर लिए। अब इससे रिलेटेड बाकी सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.1 में सारे क्वेश्चंस गिवन है कि हमने क्या फाइंड करना है, फंक्शंस हमें गिवन है और हमें कहा गया है कि आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है।